हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, साथ साथ इसको सॉल्व करने का ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले दो पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं जो 30 डिग्री एक्यूट एंगल बना रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल 60 डिग्री का एक्यूट एंगल है। तो अगर 30 डिग्री दिया हुआ हो राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल है, तो 30 डिग्री के सामने का हम साइड कुछ एक्स मानते हैं, तो इसका हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, दुगुना होगा। दोनों केस में हाइपोटेनियस क्या होगा, दुगुना होगा। और जो बचा हुआ साइड है वो क्या होगा, √3 × x होगा। अगर यही 60 डिग्री का राइट एंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो उसके सामने का क्या होगा, √3 x, और हाइपोटेनियस तो हमेशा 2 x होगा छोटे वाले साइड का। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है जब 30 डिग्री का बन रहा हो ट्रायंगल या 60 डिग्री का। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है पहला। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए लेवल ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दियर फीट इज 12 मीटर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स। तो दो क्या पोल्स है, लेवल ग्राउंड पे खड़ा है, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है फीट, यानी उसके पाद का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 12 मीटर, और इसका हाइट कितना है, एक पोल का 6 मीटर, दूसरे पोल का है 11 मीटर हाइट है। तो यहाँ से हम लाइन कंस्ट्रक्ट किए तो ये जितना होगा 12 मीटर, ये भी 12 मीटर होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 11 है, ये 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5। हमें बोला है क्या, डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, ये दोनों टॉप्स का डिस्टेंस बताना है। हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 5 है 12 है, तो एक ट्रिपलेट आपको याद होगा 5 12, तो ये कितना होगा, 13 होगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर नाम देते हैं इसका ए बी और सी, तो मेरा ए सी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम कहेंगे क्या, 13 मीटर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 200 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हम टॉप ऑफ क्लिफ से देख रहे हैं कहाँ, एक दूसरे टावर को जिसके टॉप पे और बॉटम पे कितना डिग्री बना रहा है। यहाँ से हम लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ये 30 डिग्री बना रहा है, ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, यानी क्या देख रहा होगा, ऊपर से देख रहा होगा, तो जितना ये एंगल होगा वही ये होगा, जितना ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, तो 45 डिग्री हो गया। क्या कह रहा है यहाँ पर, 200 मीटर का ये कितना है, टोटल हाइट कितना है, 200 मीटर, कि टोटल हाइट इसका कितना दे दिया है, 200 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, अब हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, तो चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब बाकी ये बचा हुआ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 200 में से एच घटा देंगे, 200 - h, वो कौन सा साइड होगा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये 45 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल अगर देखते हैं ये 45 डिग्री का बन रहा है, तो 45 डिग्री केस में क्या होगा, जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही क्या होगा बेस, तो ये पूरा कितना दिया हुआ, 200, तो ये भी 200 होगा, इसके सामने ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, 200 होगा। अब हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री के सामने को हम एक्स मानते हैं तो ये कितना होगा, दुगुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3 x हो जाएगा। ये 30 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके सामने को अगर हम साइड को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो हाइपोटेनियस हमेशा दुगुना होगा, और ये कितना होगा, ये वाला साइड √3 x, मगर एक्चुअली में रियली में कितना दिया हुआ ये साइड, 200 मीटर, तो √3 x एक्चुअली में कितना है, 200 मीटर दिया हुआ है, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 200/√3 मीटर आ जाएगा। ये एक्स का मान आया, हमें निकालना है क्या, इसकी हाइट निकालनी है, तो ये एक्स आ गया कितना, 200/√3, मगर ये एक्स ना हो कि ये क्या है,
ये पार्ट क्या है, 200 माइनस एच, तो 200 माइनस एच क्या है, जो हम इसको एक्स माने हैं वो रियली में क्या था, 200 माइनस एच था। तो एक्स का मान डाल देंगे यहाँ पे, 200 माइनस एच इक्वल टू क्या होगा, एक्स 200 बाई रूट थ्री। अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो 200 में से क्या घट जाएगा, 200 बाई रूट थ्री घट जाएगा, इक्वल टू एच को हम इधर ले आएंगे तो एच इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें से 200 हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं हाइट। इसमें कोई हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट कितना है, 24 दिया हुआ है, दूसरे का हाइट 36 मीटर, आर कनेक्टेड बाई ए वायर, एक वायर से क्या कनेक्ट है, एंड वायर मेक एन एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो एक पोल है, एक दूसरा पोल है, पहला पोल कितना है 24 मीटर है, ये दूसरा पोल कितना है 36 मीटर। अगर दोनों को हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, फिर ये क्या कर रहा है, ये दो वायर है इस पर कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है यहाँ से विद द हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, वायर इज मेक 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ से यहाँ पर कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें निकालना है क्या, लेंथ ऑफ वायर निकालना, लेंथ ऑफ वायर निकालना है। तो ये 24 है, ये टोटल कितना 36 है, ये टोटल कितना दिया हुआ है 24 मीटर। तो ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा, ये वाला पार्ट इतना पार्ट, ये 24 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना पार्ट 24 हो जाएगा, बचेगा कितना, 12 बचेगा, कितना बचेगा, ये 12 मीटर हो जाएंगे ये। तो दोनों जोड़ के कितना आएगा, 24 एंड 12 36 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, इस वायर की लेंथ। अब बना रहा है क्या ये 60 डिग्री, हम 60 डिग्री केस में बोले थे इसके सामने वो क्या मान लेंगे हम, अगर इसको रूट थ्री एक्स मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हमेशा क्या होगा, छोटे वाले का दुगुना होगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे दिया क्या, ये 12 दिया हुआ है, 12 एक्चुअली है क्या, ये रूट थ्री एक्स, तो ये इसको हम क्या माने हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री के सामने को क्या मान लिया हम, रूट थ्री एक्स, अभी हम ऊपर डिस्कस किए थे ट्रायंगल में। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स होगा, एक्स का दुगुना हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता। तो ये एक्चुअली में है कितना, 12, तो रूट थ्री एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4√3, यहाँ रूट थ्री से कट जाएगा, 4√3 मीटर आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, ये है कितना, 2x है, तो एक्स का वैल्यू आया हुआ 2 × 4√3, तो कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ टावर इज 15 मीटर, तो एक टावर है जिसका शैडो बन रहा है, शैडो बन रहा है कितना, 15 मीटर का, ये टोटल दे दिया है कितना, 15 मीटर दे दिया है शैडो बन रहा है। वेन सन एलिवेशन इज इतना, जब सन का एलिवेशन क्या था, 30 डिग्री था, कितना था, उन्नयन कोण 30 डिग्री था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन द सन एल्टीट्यूड, सन एलिवेशन कितना हो, जब सन का एलिवेशन हो 60 डिग्री तो उस समय हमें लेंथ ऑफ शैडो बताना है। तो शैडो का लेंथ यही होगा, शैडो का लेंथ यही होगा। तो हम चल सकते हैं पहले ये वाले ट्रायंगल में, 30 डिग्री वाले में अगर इसको हम एक्स मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x हाइपोटेनियस है, ये 30 डिग्री वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये एक्स मानते हैं तो ये 2x, अब बाकी बचा हुआ क्या, इतना कितना हो जाएगा, रूट थ्री एक्स। मगर ये है कितना एक्चुअली में, रियली में कितना है, 15 है, तो हम कह सकते हैं रूट थ्री एक्स इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, 5√3 मीटर आ जाएगा, 5√3 मीटर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी
पाँच रूट थ्री आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या, ये चीज़ निकालना। तो ये पाँच रूट थ्री कब आया होगा, जब ये पाँच रहा होगा। हम ऊपर ट्रायंगल में देखे थे 60 डिग्री वाले में, ये रूट थ्री एक्स कब आएगा, जब ये एक्स रहा होगा। तो ये उसका एक्स का रूट थ्री गुना रहा होगा। तो ये एक्स क्या था, यहाँ पे पाँच रहा होगा, तब ये कितना आया होगा, पाँच रूट थ्री। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर नाम लिख लेते हैं, ए बी, ये हुआ सी, ये डी। तो सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मीटर। जब सनसेट, जब सन का एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा हो, 60 डिग्री, तो इस टावर का जो ये होगा शेडो वो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। यहाँ पे हमने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ नहीं किए हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ, और फर्दर वीडियो के लिए कमेंट करें। और भी टी की वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।